राजधानी के गोविंदगढ़ में युवा शक्ति संगठन की ओर से स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों को जन सहयोग से पर्सनल प्रोटेक्टिव किट उपलब्ध कराने की पहल की गई है। आरयू के प्रोफेसर सीबी यादव ने यह पहल राजस्थान की आदर्श पीएचसी गोविंदगढ़ और पुलिस थाना से प्रारंभ की है। यह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर योगेश यादव ने विशेष रूप से तैयार किए हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप है। सीबी यादव ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जैसे स्वास्थ्यकर्मी पुलिसकर्मी को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि पीपीई किट एक महंगी सामग्री होती है, व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत अधिक पीपीई किट वितरित करना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्होंने समाज के आम नागरिकों और भामाशाहों से आह्वान किया कि वे उसके लिए अभियान से जुड़कर अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना संकट से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। इस दौरान गोविंदगढ़ थानाधिकारी सहित सीएससी के कई कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना संकट में सबसे बड़ी कड़ी कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्यकर्मी है और उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्यकर्मियों को ऐसा लगता है कि बिना हथियार के मैदान में उतार दिया गया। सरकार पीपीई किट पर्याप्त उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जबकि इन सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्यकर्मियों पर है। केवल डॉक्टरों को रिस्क ही नहीं है, उनके परिवारों की स्थिति जाके देखें तो आज इतने असुरक्षित है। इसीलिए युवा शक्ति संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जन सहयोग से पूरे राजस्थान में हम कोशिश कर रहे हैं किस सीमा तक पहुँचे, लेकिन हम पीपीई किट को जन सहयोग से हम सभी हॉस्पिटलों तक सप्लाई करें, इसका आज पहली शुरुआत है। क्योंकि राजस्थान का ये एक आदर्श हॉस्पिटल है तो गोविंदगढ़ से शुरुआत की है और ये अभियान आगे बढ़े। और मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि डॉक्टर्स को जो और भी स्वास्थ्यकर्मी है उनको ज़्यादा